सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सोनिया फिर से नया करिश्मा कर पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगी। अब वो कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके आने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की आहट जरूर सुनाई देने लगी है। 19 साल तक कांग्रेस की बागडोर संभालकर पार्टी को स्वर्णिम दौर तक पहुंचाने वाली सोनिया गांधी ने एक बार फिर पार्टी की कमान ऐसे वक्त में संभाली है जब कांग्रेस अपना वर्चस्व खोती जा रही है। एक तरफ हाथ को बार बार हार मिल रही है तो दूसरी तरफ कलह ने कांग्रेस को तोड़कर रख दिया है। कर्नाटक से लेकर गोवा और झारखंड से लेकर पंजाब तक हाहाकार मचा है। यही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी उभर सकती है, इसीलिए सोनिया गांधी ने पद संभालते ही बदलाव की कवायद तेज कर दी है ताकि चेहरा बदलकर पार्टी में छिड़ी चिकचिक को दूर किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक कई बदलाव होंगे, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदला जा सकता है, जिसकी मांग लोकसभा चुनाव के पहले से उठ रही है। हालांकि तब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि फिलहाल ये चुनाव का समय है, इस समय बदलाव नहीं हो सकते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद प्रदेश संगठन में बदलाव होंगे। इससे पहले कि मामले में फैसला हो पाता, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से पार्टी में बदलाव की कवायद पर ब्रेक लग गया। लेकिन अब सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालते ही फिर से कयासों का दौर तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बदलाव कर पार्टी की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगी, जिसका असर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी ने 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए गठबंधन से लेकर प्रियंका को मैदान में उतारने का फार्मूला अपना लिया, लेकिन कांग्रेस की स्थिति नहीं बदल सकी। अब देखना होगा कि सोनिया कैसे कांग्रेस को फिर से मजबूत बना पाती हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।